ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है रतन टाटा जी के जीवन और उनके विरासत पर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। रतन टाटा की मौत ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। रतन टाटा ने भारतीय उद्योग को एक नई ऊंचाई दी है। रतन टाटा जी का योगदान सिर्फ व्यापारिक दुनिया तक ही सीमित नहीं था, कि वो अपने गुण और दयालुपन से विशेष इंसान माने जाते हैं। रतन टाटा जी की बीमारी की खबर आने के बाद उन्होंने खुद ट्वीट किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, जबकि उनकी तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब थी और वो उनकी आखिरी ट्वीट साबित हुई। रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप्स को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अपने जीवन काल में कई अरब डॉलर की चैरिटी भी की। उन्होंने अपने जीवन में 9000 से 10000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान सामाजिक कार्यों में दिया। रतन टाटा का जीवन सादगी और नम्रता से भरा हुआ था। उनके लीडरशिप के अंतर्गत टाटा ग्रुप्स का मुनाफा $5 बिलियन से $100 बिलियन तक पहुंचा था। उनके नेतृत्व में टाटा ने डिफेंस, आईटी, स्टील और कई अन्य क्षेत्रों में न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान बनाई और कई अन्य ब्रांड्स टाटा ने एक्वायर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, जिसमें रतन टाटा को एक विजनरी लीडर और दयालु आत्मा बताया गया। मोदी जी ने लिखा कि रतन टाटा का योगदान भारतीय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण था और उनका निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। रतन टाटा ने चाहे कितनी भी बड़ी कामयाबी हासिल की हो, वो हमेशा ही एक साधारण और नम्र व्यक्ति बने रहे। रतन टाटा की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया था कि वो कई बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उनकी एक बार शादी होते होते रुक गई थी, जब भारत चीन युद्ध के दौरान उनकी होने वाली पत्नी के परिवार ने उन्हें भारत जाने से रोका था, जिसके बावजूद भी वो भारत आए थे, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। रतन टाटा को लोग न केवल एक उद्योगपति के रूप में बल्कि एक देशभक्त के रूप में भी जानते हैं। वे करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी। टाटा ग्रुप्स को सफलता की बुनियादों तक पहुंचाने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने स्वभाव में घमंड को नहीं आने दिया।